ज़्यादातर जो एज ग्रुप है जिसके अंदर हम 14 इयर्स से स्टार्ट करें अगर, तो 14 इयर्स से लेके ज़्यादातर जो क्या कहते हैं 42-45 तक का जो एज ग्रुप होता है, जो कि काफ़ी बड़ा एज ग्रुप बनता है, काफ़ी बड़ी लॉट बन जाती है, ज़्यादातर लोगों को ये कंप्लेन होना शुरू हो जाती है गर्मी मौसम में जिसके अंदर नमी भी होती है, तो उसमें यही कंप्लेन होती है कि हमारे फेस के ऊपर जो है वो एक तो पसीना बहुत आता है, और अगर हम कुछ लगाना चाहते हैं जैसे हम कह देते हैं डॉक्टर्स या हम सब कह रहे होते हैं एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नहीं जी आप लोगों ने ज़रूर सन ब्लॉक लगाना है, अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो उससे जो है वो आपकी स्किन का कलर डल हो जाएगा, स्किन अनइवन टोन हो जाएगी, स्किन जो है वो बूढ़ी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इतनी तेज़ धूप है तो धूप में ये सब कुछ होता है, अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो इशू होगा। अब क्वेश्चन ये होता है पेशेंट का कि मैं सन ब्लॉक कैसा और किस तरह लगाऊं कि मेरी स्किन के ऊपर इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है और इतना ज़्यादा ऑयल बन रहा होता है कि कुछ समझ नहीं आता। तो इसमें आज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं यही बताना चाहती हूँ कि आपने अपनी रूटीन में क्या चीज़ें रखनी है या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं आप, जिसकी वजह से जो है आपको आपकी स्किन जो है वो आपको सूद लगे और आपकी स्किन के ऊपर वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और पिंपल्स यानी कि दाने जो हैं वो ना बने। जी हाँ, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, लेकिन उससे पहले जल्दी से जो है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ बेल आइकॉन को जो है वो प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम आपके साथ जो है वो इन्फॉर्मेटिव चिट चैट के लिए आएँ तो आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमें ज्वाइन कर सकें, अपने क्वेश्चंस हमसे पूछ सकें, हमसे बातचीत कर सकें, अपनी क्वेरीज हमसे पूछ सकें। हम लोग एट ए टाइम जो है वो फेसबुक पे और यूट्यूब दोनों पे लाइव जा रहे होते हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस करने होते हैं तो आपको यूट्यूब पे हमें ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि हम डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस को देख सकें, पढ़ सकें और फिर उनका रिप्लाई दे सकें। सबसे पहले तो जी मैं विनर अनाउंस करने वाली हूँ, और विनर का नाम जो लास्ट टाइम का हमारा क्वेश्चन था उसमें जो विनर हैं उनका नाम या जो आईडी हमारे पास आ रही है दैट इज़ डॉक्टर ब्यूटी टिप्स। ठीक है, डॉक्टर ब्यूटी टिप्स जो हैं उन्होंने हमें ऑलमोस्ट आई थिंक 3 आंसर्स भेजे हुए थे, तीनों के तीनों ठीक थे और बिल्कुल जो है वो स्पॉट ऑन थे, और डॉक्टर ब्यूटी टिप्स जो हैं वो विनर हैं। और प्लीज़ आप जो है वो हमसे फेसबुक के ऊपर जो है वो अपनी डिटेल्स जो है वो शेयर कर लें, फेसबुक से ज़्यादा बेहतर होगा कि हमारे नीचे ये नीचे नंबर्स जो हैं वो स्क्रॉल पे चल रहे हैं, आप उस नंबर के ऊपर जो है वो आप व्हाट्सएप भी कर सकती हैं और कॉल करके जो है वो आप अपनी डिटेल्स दे सकती हैं, जितनी जल्दी आप हमें अपनी डिटेल्स देंगे उतनी जल्दी हम आपको आपका गिफ्ट हैम्पर जो है वो भेज सकेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर ब्यूटी टिप्स जिन्होंने लास्ट टाइम वाला जो क्वेश्चन है या जो कॉन्टेस्ट था उसमें विन किया है। ठीक है जी। अच्छा, अब अभी हम जो अपना टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, और हमारा टॉपिक है कि गर्मियों के मौसम में अपनी स्किन को जो है दानों से और कील महासों से कैसे बचा के रख सकते हैं, यानी कि एक्नी से, पिंपल से कैसे बचा जा सकता है, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा जो अपना फेस वॉश है वो रखें जो कि ऑयल बैलेंसिंग हो। जिस वक्त आपकी स्किन का ऑयल बैलेंस रहेगा तो ये इशू नहीं आएगा कि सीबम बन रहा है और वो किधर को जाए और कैसे जो है वो आपकी स्किन जो है वो ठीक रहे और उसके ऊपर दाने और पिंपल्स ना बने। एक तो बहुत ज़रूरी है कि हम ऑयल बैलेंसिंग फार्मूलाज जो हैं वो फेस वॉश करने के लिए यूज़ करें। कोई ज़रूरी नहीं होता, अगर आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल है या नॉर्मल टू ऑयली है तो आप ऑयल बैलेंसिंग फार्मूलाज ऐसे होते हैं अवेलेबल या ऐसे हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं जिनको यूज़ करने से आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी लेकिन आपके पोर्स क्लॉग नहीं होंगे। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे आप ये देखें, ये आपका पोर है, इधर आपका पोर है और ये उसकी ओपनिंग है जो आपको फेस के ऊपर नज़र आती है। ये नीचे जो है वो इसका सैक है, ठीक है, इसका एरिया है या इसका घर है। इसी घर के अंदर डिफरेंट कमरे हैं, एक कमरे के अंदर हेयर फॉलिकल है जो कि बाल बनाता है, एक कमरे के अंदर स्वेट ग्लैंड है जो कि पसीना लेके आता है, और एक कमरे के अंदर सेबेशियस ग्लैंड है या जिसको हम ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड कहते हैं और वो ऑयल बना रहा होता है या ऑयल प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, अब इस कमरे के अंदर जैसे ही कुछ चोक करेगा या जैसे ही इस कमरे के अंदर स्टफिंग ज़्यादा हो जाएगी, जैसे ऑयल से भर जाए या आप ऊपर से कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र, ऐसा सन ब्लॉक या ऐसा मेकअप यूज़ करें जो कि ऑयल बेस्ड हो और वो इसके अंदर पोर्स के अंदर फंस जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपकी स्किन के ऊपर दाने बनेंगे और इससे हमने बचना है।
इसलिए कोशिश ये करें कि ये एरिया आपका बिल्कुल साफ रहे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी स्किन के ऊपर ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें लगाना जो कि ऑयल को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं या फिर आपके पोर को क्लॉग कर सकती हैं, यानी कि पोर के अंदर फंस सकती हैं। पोर के अंदर ये फंसेगा या कोई भी चीज़ फंसेगी तो आप देखेंगे कि दाने ज़रूर बनेंगे और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें साथ साथ जो है वो मैं आपको चीज़ें भी दिखाना शुरू करूंगी। ये देखें, ये एक ऑयल बैलेंसिंग जो है वो फेस वॉश है, ऑयल बैलेंसिंग फेस वॉश है। इसकी अच्छी बात क्या है कि ये ड्राई आउट किसी स्किन को नहीं करेगा, लेकिन जो ऑयल आपके ऑयल सेबेशियस ग्लैंड है, ऑयल बनाने वाली ग्लैंड्स हैं, और जो आपके पोर्स हैं, ये जो मैं आपको जैसे एक्सप्लेन कर रही थी, उस जगह को साफ कर देगा और ऑयल को बैलेंस करके रखेगा, जिससे बहुत ज़्यादा आपकी स्किन जो है वो ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर रही होगी और पोर्स क्लॉग नहीं होंगे, तो वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स नहीं बनेंगे और दाने भी नहीं बन सकेंगे। ठीक है, एक और मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ये भी एंटी बैक्टीरियल फेस वॉश है। ठीक है, ये भी एंटी बैक्टीरियल फेस वॉश है और ये फेस वॉश भी जो है ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता, लेकिन ऑयली भी नहीं रहने देगा या ज़्यादा ऑयल जो है वो भी नहीं आने देगा, प्रोड्यूस होने देगा। इससे अच्छी चीज़ ये होगी कि आपकी स्किन जो है वो नियर नॉर्मल रहेगी, उस पर ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और दाने नहीं बन सकेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद मैं आपको एक और फार्मूला दिखा रही हूँ, वो है ये वाला फार्मूला। ये वाला फार्मूला जो है ये भी एंटी बैक्टीरियल है और ऑयल को बैलेंस करता है। जब ये एंटी बैक्टीरियल है और ऑयल को बैलेंस करेगा तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो रफ़ नहीं होगी, उसके ऊपर वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स नहीं बनेंगे और दाने निकलना कम हो जाएंगे। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे मैं आपको कह रही थी कि आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल है या फिर नॉर्मल टू ऑयली है या फिर मॉडरेट सी हल्की सी ऑयली है, या सर्दियों में ठीक रहती है और गर्मियों में थोड़ी सी ऑयली हो जाती है, या कॉम्बिनेशन है जिसमें टी जोन जो है वो आपका ऑयली होता है और बाकी स्किन जो है वो नॉर्मल रहती है। कि जो मैंने तीनों फेस वॉशेस दिखाए हैं ये उनके हिसाब से परफेक्ट हैं, कोई भी ऐसी स्किन टाइप वाला इनको यूज़ कर सकता है। अब मैं वो फेस वॉश दिखाने लगी हूँ जिसमें जो उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन पे बहुत सारे पिंपल्स बनते हैं और उसके अलावा ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस होता है और पसीना भी ज़्यादा आता है। ठीक है, उनके लिए जो है वो मैं ये फुली मेडिकेटेड फेस वॉश दिखा रही हूँ। ये वाला फेस वॉश है, ये वाला फेस वॉश जो है ये मेडिकल ग्रेडियंट का फुली मेडिकेटेड, यानी कि ये फुली मेडिकेटेड फेस वॉश है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ और कौन कौन सी चीज़ें फेस पे लगाई जा सकती हैं ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिन लोगों की स्किन एक्सट्रीमली ऑयली होती है, जिन पे बहुत सारे पिंपल्स बनते हैं, बहुत सारे दाने निकलते हैं, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एक स्टेप तो मैंने आपको बता दिया कि बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है वो ऑयल बैलेंसिंग फार्मूलाज यूज़ करें टू वॉश आवर फेस। ठीक है, इसके अलावा इस पोर को, इस कमरे को, इस घर को साफ रखने के लिए क्लिंजिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और क्लिंजिंग हर स्किन टाइप वालों के लिए ज़रूरी होती है, इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि जी ये करेगा और ये नहीं करेगा, या इसको ज़रूरत है और इसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिनकी स्किन जो है वो नॉर्मल टू ऑयली है और या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, उनके लिए ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है फॉर क्लिंजिंग, तो क्लिंजिंग आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, एक्सेसिवली ऑयली है, बहुत सारे दाने बनते हैं, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बनते हैं, उनके लिए ये क्लिंजिंग जो है ये बेस्ट रहेगी गर्मियों के मौसम। ठीक है जी, ये दो मैंने आपको क्लिंजिंग्स दिखा दिए हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमें स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहिए? जी बिल्कुल, स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहिए, लेकिन स्किन को मॉइस्चराइज आप किस चीज़ से करेंगे? आप एक सूटेबल चीज़ से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे तो आपकी स्किन ख़राब भी नहीं होगी, उसके ऊपर पिंपल्स भी नहीं बनेंगे, दाने नहीं बनेंगे, कील मुहासे नहीं बनेंगे और आपका पोर जो है वो क्लॉग नहीं होगा, और उसके बावजूद आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल रहेगी। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह के मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें जो कि सूद रखें आपकी स्किन को, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि हम धूप में जाते हैं तो छोटे छोटे रेड कलर के दाने बन जाते हैं, जिस वक्त हम नॉर्मल टेम्परेचर पे आते हैं या टेम्परेचर ठीक होता है सराउंडिंग का या आपकी स्किन का, तो उस वक्त हमारी स्किन ठीक हो जाती है। उसी तरह से वो लोग कहते हैं कि किचन में जाके भी यही होता है कि आप जैसे ही किचन में काम करने के लिए जाते हैं तो आपको छोटे छोटे पिंपल्स गर्मी में बनना शुरू हो जाते हैं, ख़ारिश शुरू हो जाती है, और जब आप नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाते हैं तो फिर आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल हो जाती है, वो दाने गायब हो जाते हैं और ख़ारिश भी नहीं होती है। ठीक है,
इसलिए स्किन को जो है वो सूद करना, पहले हमने क्लिनजिंग करके उसकी सफाई की, उसके बाद हमने उसको फेस वॉश से धोया, उसके बाद हमने उसको हाइड्रेट करना है। हाइड्रेशन के लिए ये देखें, ये ऑयल बैलेंसिंग फार्मूला है जो कि पोर्स को क्लॉग नहीं होने देता बल्कि आपके पोर्स को टाइट करता है, टाइट रखता है। ये एक मैं आपको जो है वो हाइड्रेशन के लिए मॉइस्चराइजर दिखा रही हूँ। इसके अलावा एक ये है, जैसे मैं खुद आजकल ये वाला मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ बिकॉज ये पोर रिफाइनिंग मॉइस्चराइजर है और उसके अलावा ये आपकी स्किन को ऑयली नहीं करता, ऑयली किए बगैर, ऑयल दिए बगैर आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है, ठीक है। उसके बाद जो है अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाने लगी हूँ और वो चीज़ जो है वो है एक स्प्रे। अच्छा, ये वाली स्प्रे जो है आप अगर इसके ऊपर भी पढ़ेंगे तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये बेसिकली एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट तो इसका है लेकिन ये क्लिनजिंग भी करती है, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट भी है और ये सूद भी करती है, यानी कि स्किन को ड्राई नहीं करती है और ड्राई किए बगैर एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देती है जिससे आपकी स्किन के ऊपर दाने नहीं बनते, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स नहीं बनते और आपके ये जो बेसिकली पोर्स हैं उनको रिफाइंड रखती है, उनको जो है वो फैलने नहीं देती, बड़ा बड़ा नहीं होने देती और उसके साथ सूद रखती है। जैसे जो लोग ये कहते हैं ना कि हम क्या करें, हम बाहर जाते हैं धूप में जाएं तो तब स्किन रेड हो जाती है, उसके ऊपर दाने बनना शुरू हो जाते हैं रेड कलर के और फिर ठीक हो जाते हैं, और उसी तरह से किचन में जाएं तो भी यही होता है। तो ये आप आराम से अच्छी तरह से देख लें और क्वेश्चन भी मैंने आपसे जो है वो इन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में करना होगा नेक्स्ट क्या कहते हैं कॉन्टेस्ट के लिए, तो आप इसको देख लीजिए कि ये जो है ये सूदिंग है और एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट के साथ जो है वो स्प्रे है। आप अपनी आईज को बंद करके और इसको स्प्रे कर सकते हैं, इसको आप दिन में सेवरल टाइम्स यानी कि 3-4 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्किन टाइप वाला इसको यूज़ कर सकता है, कोई इशू नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि रात को लगाने वाली चीज़ें जो हैं वो आप कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि भाई दाने बने हुए हैं, अब दाने बने हुए हैं या वाइट हेड्स बने हुए हैं तो उसके ऊपर क्या लगाएं। इसमें मैं आपको डिफरेंट तरह की चीज़ें जो हैं वो दिखाने लगी हूँ। ये वाली जेल मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसको स्पॉट जेल भी कह सकते हैं जो कि आपने सिर्फ खाली पिंपल पे लगानी है, आप इसको पूरे फेस के ऊपर नहीं लगाएंगे। ये जो है इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है, इसको आप रात को लगाएंगे तो आप देखेंगे कि सुबह आपका जो पिंपल है वो ड्राई आउट हो चुका हुआ होगा, वो बिल्कुल ठीक हो चुका हुआ होगा। ये सिर्फ पिंपल्स पे लगाने के लिए और सिर्फ रात को लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और जेल दिखा रही हूँ। ये जेल जो है इसके अंदर आइसोट्रेटिनोइन, जो कि आपने इसका नाम सुना होगा, जो कि आपके सीबोस्टैटिक होती है यानी कि जो सीबम को कंट्रोल करती है, और उसके साथ ही इसके अंदर एंटीबायोटिक भी है, एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। इसको भी आपने रात के टाइम पे एक ही दफ़ा लगाना होता है और सिर्फ खाली आप अपने पिंपल पे लगाएंगे, जस्ट लाइक अ स्पॉट जेल जिसपे आपको जहाँ कहीं जिट बने या पिंपल बने या दाना बना हो या वाइट हेड हो उसके लिए आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। अब एक और आपको मैं ख़तरनाक सी जेल दिखाने लगी हूँ, ठीक है। ख़तरनाक मैं उसको इसलिए कह रही हूँ कि वो भी आपने सिर्फ खाली स्पॉट के ऊपर यूज़ करनी होती है। इसको देखें आप, ये जो है इसके अंदर बेंजोइल परऑक्साइड है, इसके अंदर 10% बेंजोइल परऑक्साइड है और ये जो है इसका इसको भी आपने सिर्फ खाली जो है वो अपने पिंपल्स के ऊपर या वाइट हेड्स के ऊपर यानी कि एक्टिव एक्ने के ऊपर लगा सकते हैं, और जब आप इसको लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपका वो दाना जो है वो ड्राई आउट हो जाएगा, लेकिन ये पूरे फेस पे लगाने वाली नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ जो है वो मैं आपको एक और क्रीम दिखाने लगी हूँ। ये वाली क्रीम जो है ये सूदिंग एक्शन भी देती है और साथ में ही ये एंटी एक्ने भी है, हाइड्रेट भी करती है और एंटी एक्ने भी है। रात के टाइम पे लगा के सोने के लिए, फुल फेस पे लगा के सोने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। उसी तरह से मैं आपको एक और दिखा रही हूँ। ये जो है इसके अंदर प्योर रेटिनॉल है जो कि 0.3% है और ये जो है ये आप फुल फेस पे ही लगाते हैं। जैसे मैंने पहले क्रीम दिखाई है, ये भी आप फुल फेस के ऊपर लगा सकते हैं और सिर्फ रात को लगाएंगे और बहुत ही हल्की सी अमाउंट में आप फुल फेस के ऊपर लगा के सो सकते हैं, तो आपको दाने बनना, कील मुहासे बनना और उसके अलावा जो है वो पिंपल्स बनना बंद हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको जो दो चीज़ें दिखाई हैं ये बेसिकली फुल फेस की चीज़ें हैं, ये आप रात को फुल फेस पे लगा सकते हैं। और उससे पहले मैंने आपको स्पॉट जेल्स दिखाई हैं, जैसे ये स्पॉट जेल है, फिर मैंने आपको ये वाली दिखाई है और फिर मैंने आपको एक और ये वाली भी दिखाई है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अब हम ये बात करेंगे कि आपने अपनी स्किन को अगर गर्मियों के मौसम में जिसमें ह्यूमिडिटी है,
और अभी बरसात का मौसम भी शुरू हो जाएगा तो ह्यूमिडिटी और ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने अपनी स्किन को अगर दानों से, कील महासों से, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स से बचाना है तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो आप याद रख लें। सबसे पहले हमने क्लिंजिंग की, उसके बाद हमने फेस वॉश किया। फेस वॉश करने के बाद जो है वो हम अपना सनब्लॉक लगा सकते हैं या कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। मैंने आपको एक स्प्रे दिखाई है, जिन लोगों को दाने बनते हैं वो स्प्रे यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर सनब्लॉक लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ है, उसके अलावा है रात के टाइम पे अप्लाई क्या करना है। रात के टाइम पे अप्लाई करने के लिए मैंने आपको जेल्स दिखाई हैं जो कि आप एक्टिव दानों पे अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ क्रीम्स हैं जो कि आप फुल फेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको दाने बनना, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बनना बंद हो जाएंगे, ठीक है जी। ये थी ये सारी की सारी वो वाली रूटीन है जो कि आपको करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए, और इसको फॉलो करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपकी स्किन जो है वो नियर नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक्नी जो होती है, दाने या जो पिंपल्स होते हैं, वो किसी एक वजह से नहीं बनते। एक बहुत बड़ी वजह तो मैंने आपको बता दी कि आपका पोर है, ठीक है, लेकिन उसी में ऑयल ज़्यादा बनता है, सीबम ज़्यादा बनता है, ऑयल ज़्यादा बनता है और ये पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, तो उसी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसको हम एक्नी कहते हैं, वो होगा और उसी की वजह से आपको वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बनेंगे, ठीक है। एक और वजह भी होती है जो कि हार्मोनल है। हार्मोनल एक्नी जो होती है वो आपको आपके साइकिल यानी कि आपके पीरियड्स के होने से पहले ही 3-4 दाने बनेंगे, बट मोस्टली वो इस एरिया पे बनते हैं, वो पूरे फेस को इन्वॉल्व एज सच नहीं करता। करता भी है लेकिन कम करता है। कॉमनली जो है वो आपके लोअर जॉ को, आपकी चिन को और आपके इन एरियाज़ को जो है वो ख़राब करता है, और इन एरियाज़ पर आपके पिम्पल्स या दाने बनते हैं। ऐसे पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं या कोई भी एक्नी का पेशेंट आता है तो हम उससे डेफिनेटली जो है एग्जामिनेशन के अलावा उससे हिस्ट्री लेते हैं, तो उसमें ये भी पूछते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं है कि आपको एक्टिव एक्नी होती हो आपके पीरियड्स होने से पहले। अगर ये पेशेंट कहता है कि हाँ जी ऐसा ही होता है, तो उसके अंदर फिर हमने आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या उससे रिलेटेड आपके जो हॉर्मोन्स हैं उसका टेस्ट भी कराना होता है, और उसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि आपको PCOS तो नहीं है। PCOD एक डिजीज़ है, PCOS जो है वो एक सिंड्रोम है। इसमें भी फिर आपको जो है वो साइक्लिक एक्नी हो रही होती है। साइक्लिक एक्नी का मतलब है कि हर साइकिल से पहले आपको दाने बन रहे होते हैं। अभी वो ठीक होना शुरू होते हैं, आपको पीरियड्स हो जाते हैं, फिर आपके दाने जो हैं वो थोड़े बैठ जाते हैं, तो वो अगली साइकिल का टाइम आता है उसके ऊपर, फिर ऐसा होता है, फिर से दाने बन जाते हैं, और बस हर वक्त जो है वो नया दाना बन रहा होता है, नया निशान आ रहा होता है, और आपका फेस जो है वो गंदा रहता है। तो अगर किसी को ये रूटीन फॉलो करने के बावजूद जो है वो वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स नहीं जा रहे हैं या एक्नी है, तो प्लीज़ आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाएं। मेरे पास आना चाहते हैं, किसी और डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, बट डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि डॉक्टर जो है वो आपकी असेसमेंट करने के बाद और एग्जामिनेशन करने के बाद और अगर कोई टेस्ट कराना है तो उसको करने के बाद आपको उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन दे के ठीक कर देंगे, क्योंकि ये एक ठीक होने वाली चीज़ है और इसको अपने साथ ज़िंदगी में चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपकी स्किन अच्छी नहीं, आपकी स्किन ख़राब ही होगी।